नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बाग रामलीला में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से और शांतिपूर्वक मनाया गया। कहा जाता है कि रावण चारों वेदों और उपनिषदों का परम ज्ञानी था। हिंदू धर्म में वैसे तो कई सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दशहरे का अपना ही महत्व है। ये हर साल अश्विन शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को दशहरा त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और देव गीता को मुक्त कराया था। इसी के उपलक्ष्य में देश भर में विजय दशहरे का आयोजन किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। चारों वेदों और उपनिषदों का परम ज्ञानी रावण को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि रावण बहुत ही शक्तिशाली राजा, महाविद्वान, सर्वज्ञानियों में ज्ञानी, भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसका सर्वनाश, कहीं पर रावण की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि रावण में कुछ अच्छाइयां ही इसे उन्हें आज के लोगों को सीख लेनी चाहिए। रावण के अंदर लाख बुराइयां थी, लेकिन वो अपने भाई बहनों के सम्मान को लेकर हमेशा समर्पित रहा है। कहा जाता है कि रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने सीता माता का हरण किया जाता है। रावण ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उसने इस तरीके से सम्मान को बनाए रखा। रावण ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, उसने इस तरीके सम्मान को बनाए रखा कि सम्मान आज लोगों में होना चाहिए। मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक अशोक राणा, राघव शरण गोयल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह, आदित्य अग्रवाल ने रावण के पुते को आग के हवाले किया।